झारखंड के किसानों का बदला हाल। ये तो अच्छा हम लोग को फायदा मिल रहा है, नया तकनीकी से कर रहे हैं तो उसका आगे विकास हो रहा है। फायदे की खेती ने किया माला माल। इजराइल की तकनीक का कमाल। रघुवर सरकार ने बनाया खुशहाल। झारखंड के किसान में इतना दम है कि जो ठान लेता है उसको करके दिखाता है। बदल रहा है खेती करने का तरीका। सरकार ने दिया सीखने का मौका। यहाँ के किसान को इजराइल भेजने का काम किए, उसमें मुझे भी जाने का सुअवसर मिला। वहाँ जाके उन्नत किस्म का तकनीकी हम लोग सीखने का मौका मिला। मेहनतकश किसानों का करिश्मा। रघुवर सरकार का सच हुआ सपना। जो उद्यमशीलता हमारे किसानों में, चार वर्षों में देश दुनिया को दिखाने का काम किया हमारे झारखंड के किसान भाई बहन। उन्नत तकनीक, उन्नत किसान। आमदनी बढ़ रहा है, जिस टाइम से सरकार आए हैं रघुवर दास, उस टाइम से ज्यादा खेतीबाड़ी में वृद्धि हो रही है और आगे किसान बढ़ रही है। झारखंड की नई पहचान। आनंद में अन्नदाता। नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मंजुषा भारद्वाज। इस वक्त हम हैं रांची के खेलगांव में, जहां सरकार के द्वारा ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन किया गया है। यह आयोजन खास किसानों के लिए किया गया है, या यूं कहें यहां किसानों का महाकुंभ लगा है। इस आयोजन में राज्य ही नहीं, देश और विदेश के भी किसान आए हैं, जो यहां कम लागत में ज्यादा से ज्यादा आय कैसे मिले इस तकनीक को सीखेंगे और इसके फायदे उठाएंगे। झारखंड में किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए रघुवर सरकार हर संभव कोशिश में जुटी है, और इसके लिए किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती के गुण सिखाए जा रहे हैं। साथ ही उन्हें नए नए टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जा रहा है। रघुवर सरकार के प्रयास से खेती के क्षेत्र में झारखंड की एक नई पहचान बन रही है, और यही वजह है कि दूसरे राज्यों के किसान भी झारखंड के किसानों से खेती की तकनीक सीखने आ रहे हैं। रघुवर सरकार के प्रयास से झारखंड के किसान कम लागत में अधिक मुनाफा पा रहे हैं। राजधानी रांची के खेलगांव में सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने नई नई तकनीक के बारे में सीखा, नई तकनीक से कैसे खेती करें और ज्यादा से ज्यादा फसल की उपज करें इसके बारे में जाना। लोग जो ग्लोबल समिट सरकार के द्वारा आए हैं, उसमें हमें नया नया चीज, जो अभी हमारा स्टॉल लगा हुआ है उसके तहत हम देख के जाएं और कुछ समझ के भी जाएं यहाँ से, तो अपना देखा हुआ जो चीज़ है वो हम जा करके वहाँ करना, ये हमें और अच्छा लगेगा। यही चलते हम लोग आए हैं, जो कि हम लोग यहाँ से अच्छा तकनीक भी सीखें और जा करके वहाँ अपना खेती कर सकें। सरकार को इस तरह के आयोजन के लिए, इस तरह की योजनाएं जो आप किसानों के लिए सरकार चला रही है, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी?
जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है जो कि ये हमें नया तकनीक की तरह और ले रहे हैं, और हम लोग को जो है कि हमारा जो कम आय है उसको हम लोग दुगुना हम लोग इससे अपना लाभ ले सके, उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा, हम लोग यहाँ शिक्षा लेने भी आए हैं और देखने भी आए हैं ताकि हम इसको आगे जा करके अच्छी तरह से कर सकें। जी, ये तो हमें विश्वास है क्योंकि हम लोग भी खेती करते हैं, हम लोग खेती लाइन वाले हैं, इसलिए हमें बहुत विश्वास है कि मतलब पूर्ण रूप से नहीं लेकिन कुछ तो हम लोग बहुत आगे जा करके हमारा आय को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और उतना हम लोग का हो गए। सरकार की इस पहल को आप किस नजरिए से देखती हैं? ये हमारे लिए बहुत अच्छा नजरिया है ये कि मतलब हमारा जो नया तकनीक है इसको हमको जो दिखा रहे हैं, ये हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए लिए जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा आगे चल करके, इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं कि क्या नया तकनीकी है और इससे किसान देखेगा तो आगे बढ़ेगा और कोई चीज़ सीखेगा, जैसे ड्रिप का सिस्टम हो गया तो ड्रिप से खेती करने के लिए बहुत महिलाएं नहीं जानती है, उसको देख के सीखेगी और बहुत कुछ देखने सीखने आए हैं हम लोग यहाँ। महिलाओं के लिए बहुत जागरूक हो रही है महिला लोग खेती को देख देख के, ऐसे तो हम फूल का खेती करते हैं और ड्रिप का हम लोग का व्यवस्था है, जैसे गोभी टमाटर सब निकालते हैं तो अब नया तकनीक से करेंगे, देखेंगे सीखेंगे तो आगे हम लोग का आय दोगुनी होगी। हाँ, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा हम लोग को देखने का मौका मिला। सरकार ने जो ये ग्लोबल एग्रीकल्चर फूड समिट का आयोजन किया है इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं? अच्छा नज़रिए से देखते हैं, हम लोग किसान खेती बाड़ी करते हैं इसलिए आए हैं समझने के लिए, अच्छा से करेंगे और अच्छा उससे चौगुनी होगा हम लोग का धान उन या तो जो फसल लगाते हैं टमाटर बीज ये सब अच्छा होता है, इसलिए गोभी लगाते हैं टमाटर मिर्चा ये सब डालते हैं उसमें चौगुनी होती है। आप यहाँ पर कुछ सीख रही हैं, क्या आपको लगता है वो आने वाले समय में आपके लिए फायदेमंद होगा, आपकी आय दुगनी होगी? हाँ, आने वाले समय में हम लोग के लिए फायदेमंद होगी और दोगुनी भी होगी, इसलिए सरकार को मेरे तरफ से बधाई देते हैं। हम इसमें ये कृषि मेला जो लगा हुआ है उसमें नाना प्रकार का जो कृषि यंत्र लगे हुए हैं, हम लोग को रोपनी के लिए जो सुविधा सुविधा होता है, कटाई के लिए जो सुविधा सुविधा होता है, वही सब समझने बुझने देखने के लिए आए हुए हैं कि हम लोग को रोपनी और ये कटाई में सुविधा हो सके, यही सब देखने आए हैं। झारखंड में औसतन कम बारिश होती है, ऐसे में जमीन का एक बड़ा भाग बंजर रह जाता था, लेकिन रघुवर सरकार ने किसानों को कम पानी में खेती करने के गुर सिखाने के लिए इजराइल भेजा और इसका असर ये हुआ कि झारखंड में खेती का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है और छोटे किसान भी खुशहाल हो रहे हैं। खेत का पानी खेत में रहे इसके लिए जगह जगह डोभा और तालाब खोदे गए, जगह जगह चेक डैम बनाए गए। रघुवर सरकार के इन प्रयासों से किसानों की आमदनी बढ़ने लगी। परंपरागत खेती के साथ साथ किसान वैज्ञानिक खेती करने लगे, वहाँ जाके उन्नत किस्म का तकनीकी हम लोग सीखने का मौका मिला, वहाँ कम पानी में अधिक पैदावार लेते हैं और वहाँ का डेयरी फार्म हम लोग गए, डेयरी फार्म में हम लोग जैसे ही वो लोग करते हैं लेकिन वहाँ तकनीकी के साथ करते हैं, पौधा को जड़ तक सेंसर घुसा देने का काम किया है और सेंसर पानी जब सिंचाई करता तो जड़ तक पानी पहुंचा कि नहीं वो सेंसर मशीन बताता है, तना तक आया कि नहीं, फल तक आया कि नहीं, ये सारे सेंसर मशीन के द्वारा होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि कैसे ये ड्रिप के सिस्टम के जरिए खेती की जा रही है, तो आप इससे क्या सीख रहे हैं? इसे एक्चुअली हम लोग इसका काम उपयोग कर रहे हैं और हम लोग इससे खेती कर रहे हैं ड्रिप इरीग्रेशन का, और काफी अच्छा हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है और पानी का बचत भी हमारा काफी अच्छा हो रहा है इसमें, और फसल में जो पहले नुकसान होता था हमारा वो फसल अभी नुकसान नहीं हो रहा और काफ़ी अच्छा इसमें हमारा उपज भी हो रहा है। इसमें मेडिसिन वगैरह भी हम ड्रिप इरीग्रेशन के द्वारा भी हम दे सकते हैं और इसमें फसल जो फफूंदी वगैरह जो भी कीड़े वगैरह जो लगते थे वो सब भी मेडिसिन हम इसी इस ड्रिप इरीग्रेशन के द्वारा हम चला सकते हैं इसको, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको मिला इससे। आने वाले समय में इस ड्रिप इरीग्रेशन का कितना फ़ायदा होगा किसानों को? अगर किसान सभी कोई अगर अच्छी तरह से अगर इसका यूज करे तो काफी अच्छा फायदा होगा किसानों को और हम लोग को भी अच्छा फायदा हो रहा है इससे,
और अच्छा फसल भी हम लोग ले रहे हैं इससे। सरकार ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बातें कर रही है, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है, तो हम जानेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती के फायदे हैं और किसानों के लिए कैसे ये फायदेमंद होंगे। तो चलिए जानते हैं कैसे ये फायदेमंद है। ऑर्गेनिक खेती से किसानों की जो आमदनी, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजन है आमदनी दुगनी करने का 2022 तक, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती एक जरिया है जिससे ये करना पॉसिबल है। जैविक खेती के माध्यम से किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए किसान अपने जो भी उत्पाद हैं उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से बाहर। लोकली अगर प्रोड्यूस को अपने मार्केट करते हैं भारतवर्ष में भी, तो उनको उसका दाम ऑटोमेटिकली दुगना मिलता है। जैसा कि यह जैविक खेती है, इसमें किसी तरह के केमिकल्स का यूज नहीं होगा, तो अगर केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो क्या खेतों पर भी या मिट्टी पर भी इसका असर होता है? आप लोग ये जानते हैं कि जो भी आप बाजार में उत्पाद अवेलेबल हैं पिछले करीबन 30-40 सालों से, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है वैसे वैसे अपने उत्पादों की क्षमता को बढ़ाने के लिए लोगों ने बहुत आयात में केमिकल्स का यूसेज किया, फर्टिलाइजर्स का यूसेज किया, उससे मिट्टी तो खराब हुई है। साथ में आप जब ये चीज़ें जान रहे हैं कि आज कैंसर कितनी आबादी को हो गया है और बहुत ही तीव्रता से बढ़ रहा है, अलग ऑर्गन्स पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जैविक खेती के माध्यम से इस पूरे रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जा रहा है ताकि सेहत पे जो उसका बुरा प्रभाव है वो कम किया जाए। सेहत पे जो बुरा प्रभाव होता है केमिकल्स का उसको कम किया जा सकता है, ये फायदेमंद है, हेल्दी है। और सरकार के इस पहल को आप किस नज़रिए से देखते हैं और उसके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी पहल है, इसमें आम जनता के लिए सेहत से जुड़े बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं, साथ में फार्मर्स के लिए बेनिफिट है, किसानों के लिए बेनिफिट है, उनकी आमदनी को दुगना करने के लिए बेनिफिट्स हैं। तो चारों तरफ से अपनी पूरी प्रकृति को, जीव जंतुओं को, पूरे पूरे इकोसिस्टम को बचाने के लिए, पूरे पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की। सरकार की तरफ से किसानों को मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी की ट्रेनिंग दी गई, गांव-गांव तक सिंचाई और बेहतर बिजली की सुविधा सरकार ने उपलब्ध कराई, किसानों को 24 घंटे बिजली मिले इसके लिए अलग से बिजली फीडर की व्यवस्था की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि 2022 तक किसानों की आमदनी चार गुनी हो जाए। इसके लिए किसानों को एक साल के लिए बिना ब्याज का लोन सरकार उपलब्ध करा रही है, साथ ही फसल बीमा प्रीमियम भी अब किसानों को नहीं देना होगा। इस साल 12.5 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। रघुवर सरकार कृषि की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। सिंचाई के लिए हर जिले के लिए करीब 30 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, अब झारखंड के 28 लाख किसानों को सरकार मोबाइल फोन देने जा रही है, जिससे इंटरनेट के जरिए किसान राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़ सकेंगे और उन्हें बिचौलिया और भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा। बतौर मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन कर किसानों को अच्छा अवसर दिया है, जहां किसानों को नई कृषि प्रणाली के बारे में पता चला, ताकि यहां के किसान भी देश के अन्य किसानों के मुकाबले कहीं ज्यादा समृद्ध हो सके और विदेशी तकनीक अपनाकर कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति ला सके। कम पैसा में ज्यादा उपज होगा, किसान को फायदा होगा और कम पानी में भी फायदा होगा, है ना। और जो काम सरकार कर रही है इससे किसान को फायदा होगा और आगे जाके और फायदा होगा आने वाले पीढ़ी में भी। ये आधुनिक टाइप का यहाँ बताया जा रहा है, ये आधुनिक किस्म का अगर हम लोग खेती करेंगे, पानी के बचत होगा और नया नया वैरायटीज का जो हम लोग सामान देख रहे हैं, सब्जी वगैरह, तो इससे हम लोग जब खेती करेंगे तो निश्चित है कि इससे हम लोग को आय दुगुना हो जाएगा। जैसा कि किसान का बहुत तरह का फैसिलिटी दिया जा रहा है जानकारी, वो हिसाब से अगर हम लोग किसान करेंगे खेती तो दुगुना निश्चित है, क्योंकि अभी पानी का ड्रिप का जो सिस्टम चल रहा है, ड्रिप सिस्टम से हम लोग खेती करेंगे तो कम पानी में ज़्यादा खेती हम लोग कर पाएंगे। जो भी यहाँ पर किसान लोग भी और मंत्री लोग भी जो बता रहे हैं फायदेमंद का है, और दूसरे देश का भी लोग जो भी आए हैं उन लोग भी अपना जो बता रहे हैं वो किसान हित में बता रहे हैं, और जो भी यहाँ लगा हुआ है सब सर सामान जो किसान के लाइक में जो दिखाया जा रहा है वो भी बहुत अच्छे ढंग का क्वालिटी का लग रहा है। इसी तरह से हम लोग भी सोच रहे हैं कि जा कर के यहाँ से और इस तरह से भी अपना खेत में उपज लावें और इसी तरह का हम लोग भी आगे विकास करें।
रघुवर सरकार के प्रयास का ही नतीजा है कि साल 2013 और 14 में कृषि विकास दर -4% था, जो साल 2016 और 17 में बढ़कर 14% से अधिक हो गया है। झारखंड में नील क्रांति के बाद अब श्वेत क्रांति लाने के लिए रघुवर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए गरीबों को दो दो गाय 90% सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही है। 4,80,000 ग्रामीण महिलाओं को अब तक हुनरमंद बनाया गया है और अब उन्हें पोल्ट्री और डेयरी के जरिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कम पानी में उन्नत खेती की तकनीक सीखने के लिए एक बार फिर 100 किसानों को इजराइल भेजने की तैयारी है, जिसमें 50 महिला किसानों को शामिल किया गया है। सरकार उन्नत झारखंड का निर्माण कर रही है और जब बात उन्नति की हो तो किसान इससे अछूत कैसे रह सकते हैं। इसलिए सरकार किसानों के लिए पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि, किसान कॉल सेंटर जैसी योजनाएं लेकर आई है। आने वाले समय में किसानों को इन योजनाओं का फायदा मिलेगा और उनकी आय दुगनी होगी। मेरे पास 40 गाय हैं, मेरे यहाँ दूध 400 लीटर होता है और यहाँ से लोग कुछ ले जाते हैं और कुछ होम डिलीवरी करते हैं और कुछ जो भी बचता है जो डेयरी में हम लोग दे देते हैं और यही से हम लोग का बहुत फायदा है और सुचारू रूप से चल रहा है। सरकार गेहूं और धान जैसे फसलों को तो बढ़ावा दे ही रही है, साथ ही साथ नई तकनीक की फसलों को भी बढ़ावा दे रही है। यहाँ के किसान कैसे इन फसलों को उपजाते हैं और क्या कुछ फायदा हो रहा है उनको इन फसलों से, आइए जानते हैं। कंपोस्ट तैयार करके हम लोग बीज डालते हैं, बीज डाल के फसल होता है, बहुत अच्छा खासा निकलता है इसमें, यानी 50% का मार्जिन है इसमें, जो लागत लगता है उसे 50% बेनिफिट होता है इसमें। अगर सही तरीके से किया जाए तो इसमें और भी आगे बढ़ावा और भी बढ़ सकता है आमदनी। और हमारे किसान खुद का स्वामी बने, घर बैठे बैठे वो बाजार भाव उसको जानकारी हो जाए, इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि 28,00,000 किसान को हम मोबाइल फोन निःशुल्क 2021 तक 28,00,000 किसान को हम मोबाइल देंगे, जो 2019 से शुरू हो जाएगी और 2021 तक सभी किसान को मोबाइल देने का काम हमारी सरकार करेगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के सेक्टर में झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ एक बहुत ही पोटेंशियल स्टेट है कि जो भी यहां के किसान ऑर्गेनिक गेहूं, चना, जो आदि फसलें पैदा करेंगे उसको खरीदने की जिम्मेदारी पतंजलि लेगा और जो भी उसका एक मूल्य है कि 1.25 से 1.5 गुना कम से कम मूल्य पतंजलि उसका देगा और उसके बाय बैक की व्यवस्था सरकार के साथ मिलकर के हम सुनिश्चित करेंगे। आज के दौर में ग्लोबल समिट का जो सरकार योजना बनाई है यहाँ, इससे हम किसान को बहुत सारा फायदा होगा। आज हमको देखने को मिल रहा है जो चीज़ हम नहीं देखे थे, वो भी हर किसान यहाँ देखने के लिए उत्सुक हैं और फॉलो करेंगे सरकार के साथ, और इसका तालमेल किसान को बहुत ही लाभदायक होगा। जैसे हुआ स्प्रिंकलर, ड्रिप, टपक विधि, ये सब सारा यहाँ व्यवस्था है जो किसान को जानकारी नहीं था। अच्छा, मतलब जो है से विकास करे और हम लोग जो है से उस गुण को सीख रहे हैं कि कम पानी में अच्छा उपज हो, और यहाँ तो थोड़ा अच्छा बारिश होता है फिर भी मतलब अकाल पड़ जाता है, तो हम लोग तो अच्छा विकास कर सकते हैं वहाँ के गुण सीख करके। और यहाँ सब कुछ बताया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के सौजन्य से प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीख पढ़ रहे हैं। हम लोग जा करके देहात में अपना इस गुण को जाहिर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल बहुत सारी नई तकनीक की मशीनें रखी हुई हैं, तो चलिए जानते हैं कि इन नई तकनीक की मशीनों से किसानों को कितना फायदा मिलेगा। इस ग्लोबल समिट में इसका एक मुख्य प्रमुख उद्देश्य है कि हमारे किसान भाइयों का जो आर्थिक समृद्धि करके उनकी आमदनी को 2022 तक दोगुनी करनी है। इस संबंध में जो खेती है, खेती में बहुत सारे तकनीकी हैं, तकनीकी का प्रयोग करके उत्पादन में वृद्धि करेंगे, उसमें मशीन, कृषि यांत्रिकरण का भी बहुत योगदान है। राज्य सरकार 28 जो भी हमारे किसान बीमा कराएंगे तो बीमा का 1 रुपया
किसान भाई को नहीं देना पड़ेगा सारा बीमा का। 2019 में भी प्रीमियम भरने का काम हमारी सरकार करेगी। एक रुपया भी किसान को अपने बीमा का पैसा नहीं देना। उसी तरह हम किसान के हित में ताकि हमको दो गुना करना, ये जो कृषि लोन बैंक से लेते हैं तो जो एक वर्ष के अंदर लोन वापस कर देंगे तो जीरो पर हम आपको लोन देंगे। एक साल के अंदर जो भी बैंक का लोन आप लेंगे तो कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा, वो सारा ब्याज सरकार देगी। पुरुषार्थ, वातावरण, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण, ये चार चीजें सब बच्चों को समान रूप से मिल जाए तो बच्चों में जो अप्रतिम प्रतिभा होती है वो जागृत हो जाती है। मैं भी एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा होकर के आया हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, बाद में गुरुकुल में पढ़ा हूं, लेकिन मुझे वो वातावरण मिला, मुझे वो प्रशिक्षक मिले, वो प्रशिक्षण मिला और 100% मैंने अपने पुरुषार्थ को जगाया। खनिज के बाद अब कृषि विकास के क्षेत्र में भी झारखंड जाना जा रहा है। यह रघुवर सरकार की देन ही तो है जो हर क्षेत्र में झारखंड का विकास हो रहा है। रघुवर सरकार के प्रयास से झारखंड के किसान खुशहाल हो रहे हैं। उन्नत तकनीक से उन्नत किसान और फिर उन्नत झारखंड का सपना साकार हो रहा है। सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस आयोजन के जरिए किसानों को नई नई तकनीक के बारे में तो पता चला ही है, साथ ही साथ आने वाले समय में किसानों को निवेश के लिए विश्व स्तरीय बाजार भी मिलेगा और उनकी आमदनी दुगनी होगी। फिलहाल इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।